नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी। आज देश के अहम मुद्दे को लेके मैं आपके सामने आया हूं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या वाकई आज बेटी को बचाया जा रहा है? कुछ घंटों में देश भर में 4 रेप, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब। हाथरस का मामला भी आग पकड़े हुए है। सन 2013 से लेकर 2020 के हर घंटे में अब तक इतने साल हो गए, कोई बदलाव नहीं आया। हर घंटे में एक रेप हो रहा है। मोदी जी कहाँ तक बदल पाए? आपने ही नारा दिया था देश बचाओ देश बदलेगा। देश तो बदल रहा है, मानसिकता बदल पाए हैं आप? चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो या अन्य दल हो, सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आम आदमी इस सब में पिसा जा रहा है, किसी का कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सेकी जा रही है रोटियां। और अगर बात करें हाथरस की, तो हाथरस में जो दलित पीड़ित लड़की के साथ हुआ, उसकी बॉडी के साथ पुलिस वालों का कहना है कि वो कोई रेप नहीं हुआ, जबकि पीड़ित की लड़की की जो वीडियो है उसमें साफ उसने कहा है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है, उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया है। उसके बाद का वाकया आप को जानते ही हैं क्या हुआ है। बात अगर की जाए उसके ख़त्म होने के बाद, उसको पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने मिलकर एक अलग एरिया में ले जाके हबड़ा तबड़ी में उसको जला दिया, पेट्रोल से जला दिया। रात के टाइम में भारत में संस्कार नहीं होता, फिर भी इन्होंने संस्कार कर डाला घर वालों को बिना बताए। उसमें मिलीभगत सिर्फ अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की है, और जो इसके पीछे का चेहरा है वो अभी तक किसी के सामने नहीं आया। अभी कुछ दिन पहले जब लड़कों को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाले गए थे, तो लड़कों के घर वालों का एक अलग ही एटीट्यूड, अलग ही रंग दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने ये तक कह डाला कि वो दलित है, नीची जाति के, हम तो उनके यहाँ का पानी नहीं पीते, रेप करना तो बहुत दूर की बात है। ये है ऊंची जाति वाले लोगों की मेंटालिटी, सोच। क्या सच है? यूपी सरकार सो रही है, योगी जी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, गुंडागर्दी खत्म करने के लिए अच्छी तरह जाने जाते हैं, आए दिन इनकाउंटर हुआ करते थे, अब कुछ भी नहीं। योगी सरकार ने लड़की के घर वालों को 15 लाख रुपए दिए। आज का बयान आज के अखबारों में छपी है कि वो 15 लाख रुपए नहीं दिए गए। और साथ ही इसके जो दूसरी तरफ की बात लें, तो लड़की का जो वीडियो था उसमें कहा गया है कि रेप हुआ है, और पुलिस की रिपोर्ट, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। आप मरती हुई लड़की की बात मानेंगे या इनकी मेडिकल रिपोर्ट मानेंगे? 11 दिन के बाद ये लोग मेडिकल करवा रहे हैं, क्या 11 दिन बाद शुक्राणु दिखाई देंगे? क्या सच है क्या झूठ है ये सब अधिकारी जानते हैं? किस बात को छुपाया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर छुपाया जा रहा है? आज सुबह चित्रा त्रिपाठी के साथ बदतमीजी की गई, उस हाथरस के उस गांव में, पीड़ित के गांव के बाहर खड़े होके कवरेज कर रही थी वो, सिर्फ अकेली बैठी थी, शॉट्स ले रही थी, कुछ दूरी पे उनके घर उनका कैमरामैन अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसके साथ आके पुलिस अधिकारियों ने बदतमीजी की, कई घंटों तक बदतमीजी की। कहां तक सार्थक है ये? बाकी मैं आपको दिखाता हूँ क्या वीडियो में था। एक महिला पत्रकार किस तरह से पुलिस वालों से सवाल कर रही है जब बॉडी को जलाया जा रहा था। आपको सब कुछ दिखाऊंगा, सबूत के साथ दिखाऊंगा, चलिए देखते हैं। कब? एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा, फोन करके। अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? तो मैं समझ गई। हाँ, हेलो।
सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जल क्या रहा है आपके सामने? थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा। मैं कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं नहीं, कौन ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ। कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इसे बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना चाहिए। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई आपकी? नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी? डीएम साहब से बात हो चुकी है? डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहां नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से? मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहां खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है आप मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं जी। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गांव में ड्यूटी लगाई गई है, कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन ले मेरी बात एक बार। नहीं नहीं, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, आपके सवाल हो जवाब देंगे। नहीं है मेरी मेरी ड्यूटी में नहीं जवाब दूंगा सवालों का। आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है क्या चल रहा है? वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या या वन सेकंड, हटिए एक सेकंड, हटिए 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 एक मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है ये भी पूछ लिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।